हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें हमने इसके पहले एक लेक्चर में सेक्शन 28 और सेक्शन 29 देखा था। आज हम देखने वाले सेक्शन 30 और सेक्शन 31। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 30 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स ज्वाइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस, मीन्स साबित संस्कृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती हैं विचार में लेना। मतलब ऐसा कन्फेशन जो साबित हो, और अगर वह कन्फेशन उस कन्फेशन करने वाले व्यक्ति को और उसके साथ उसी अपराध के लिए जो दूसरे अंडर ट्रायल व्यक्ति हैं उनको भी अगर अफेक्ट करता है, तो ऐसे कन्फेशन को विचार में लिया जाना, मीन्स ऐसे कन्फेशन को कंसिडर करना। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सेक्शन 30 में आया क्या दिया गया है कि व्हेन मोर पर्सन देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस एंड अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड, द कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स सच कन्फेशन। मीन्स जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्कृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्कृति को ऐसे अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऐसी संस्कृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। मतलब जब किसी एक अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का ट्रायल एक ही कोर्ट में एक साथ चल रहा हो और उन व्यक्तियों में से किसी एक ने कोई कन्फेशन दिया और अगर वह कन्फेशन कोर्ट में साबित होता है, तो उस कन्फेशन का यूज जिस व्यक्ति ने वह कन्फेशन दिया है उसके साथ साथ बाकी के जो उसके साथ अंडर ट्रायल आरोपी हैं, मींस जो दूसरे कोई अक्यूज्ड है उस केस में, उनके अगेंस्ट भी किया जा सकेगा। मींस अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उस केस में चार आरोपी हैं, तो उन चार आरोपियों में से अगर किसी ने कोई कन्फेशन दिया, मींस सभी आरोपियों में से अगर किसी एक ने भी कन्फेशन दिया और वो कन्फेशन कोर्ट में साबित होता है, तो वह कन्फेशन जिस व्यक्ति ने वो कन्फेशन दिया है उसके साथ साथ उन आरोपियों के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकेगा जो उस केस में उसके साथ अंडर ट्रायल है, मीन्स जो उस केस में उसके साथ विचाराधीन है। ठीक है, मीन्स कोर्ट जो है वो उस कन्फेशन का यूज उस व्यक्ति के अगेंस्ट भी कर सकेगी जिसने वो कन्फेशन दिया है, और उसके साथ साथ उन व्यक्तियों के अगेंस्ट भी कर सकेगी जो उस केस में कोई अक्यूज्ड है, भले ही उन लोगों ने कोई कन्फेशन नहीं दिया है। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया, इसमें क्या दिया गया है कि ऑफेंस As used in this section includes the abetment of or attempt to commit the offence. तो इस स्पष्टीकरण में क्या दिया गया है कि offence में सिर्फ actual offence ही नहीं आता, बल्कि उस offence का जो abetment है वो भी offence माना जाएगा, और उस offence को attempt किया वो भी offence माना जाएगा। तो offence में उस offence को abet करना और उस offence को commit करने की कोशिश करना, ये दोनों आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेक्शन में दो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो देखते हैं उन इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है। तो पहला जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन ए, इसमें क्या दिया गया है कि ए एंड बी आर ज्वाइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी, इट इज प्रूव्ड दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर सी, द कोर्ट में कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी। सो फ्रेंड्स, इस इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है कि ए और बी का ट्रायल कोर्ट में एक साथ चालू है, किसके लिए, सी के मर्डर के लिए। मींस ए और बी का ट्रायल चालू है कोर्ट में सी के मर्डर के लिए, और उस ट्रायल के दौरान ए ने कन्फेस किया कि ए ने और बी ने साथ मिलके सी का मर्डर किया है। ठीक है, तो कन्फेशन किसने दिया, ए ने दिया, लेकिन उस कन्फेशन का इफेक्ट जो है वो बी के ऊपर ही पड़ेगा, मींस जो कन्फेशन ए ने दिया उस कन्फेशन का यूज बी के अगेंस्ट भी होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ट्रायल एक ही ऑफेंस के लिए एक साथ चल रहा था, इसलिए ए ने जो कन्फेशन दिया वो ए के अगेंस्ट तो यूज होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ बी के अगेंस्ट भी यूज होगा। फ्रेंड्स, अब हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन बी, इसमें क्या दिया गया है कि ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वॉज मर्डर्ड बाई ए एंड बी, एंड दैट बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी, दिस स्टेटमेंट मे नॉट टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बाई द कोर्ट अगेंस्ट ए एज बी इज नॉट बींग ज्वाइंटली ट्राइड। सो फ्रेंड्स, इस इलस्ट्रेशन क्या दिया गया है कि ए का
ट्रायल चालू था कोर्ट में सी के मर्डर के लिए, ठीक है। तो उस ट्रायल में यह दिखाने के लिए कि ए ने बी के साथ मिल के सी का मर्डर किया था, ऐसा एविडेंस कोर्ट में था, ठीक है। और ए ने भी कन्फेस किया कि मैंने और बी ने मिल के सी को मारा था। तो कोर्ट में ये सभी एविडेंस थे, लेकिन कोर्ट जो है ए के कन्फेशन का यूज जो है वो बी के अगेंस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों का ट्रायल जो है एक साथ नहीं चालू था। जो ट्रायल चल रहा था वो सिर्फ ए का चल रहा था, तो ए ने जो कन्फेशन दिया उस कन्फेशन का यूज बी के अगेंस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बी जो है ए के साथ जॉइंटली ट्राइड नहीं था, ठीक है। मीन्स ए का बी के साथ ट्रायल नहीं चालू था, तो उस ट्रायल में ए ने जो कन्फेशन दिया उसका यूज बी के अगेंस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30, व्हेन टू और मोर पर्संस आर ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस एंड कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ देम इज प्रूव्ड एट द ट्रायल, देन द कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन दैट कन्फेशन अगेंस्ट द अदर अक्यूज्ड एज वेल एज द अक्यूज्ड कन्फेसिंग द गिल्ट। लेकिन फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 30 के एप्लीकेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ही सेक्शन 30 जो है वो अप्लाई होगा। तो देखते हैं वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं। तो पहली कंडीशन है कि द पर्सन कन्फेसिंग एंड द अदर आर टू बी ट्राइड ज्वाइंटली, मीन्स जिस व्यक्ति ने कन्फेशन दिया है और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका ट्रायल एक साथ में हो रहा हो तो ही इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 30 जो है वो अप्लाई होगा। मीन्स जिस व्यक्ति ने कन्फेशन दिया है और जो दूसरे व्यक्ति हैं इनका ट्रायल अगर एक साथ चल रहा होगा तो ही सेक्शन 30 जो है वहां पे अप्लाई होगा, ठीक है। और अगली कंडीशन क्या है कि दे आर बीइंग ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, मीन्स उन सभी व्यक्तियों का ट्रायल सेम ऑफेंस के लिए चल रहा हो। अगर उन सभी व्यक्तियों का ट्रायल सेम ऑफेंस के लिए चल रहा होगा तो ही सेक्शन 30 जो है वहां पे अप्लाई होगा। और अगली कंडीशन क्या है कि वन ऑफ द अक्यूज्ड मस्ट एडमिट द गिल्ट अगेंस्ट हिमसेल्फ एंड कोअक्यूज्ड, मीन्स उन सभी अपराधियों में से जिनका कोर्ट में एक साथ में ट्रायल चल रहा था उन सभी अपराधियों में से किसी एक अपराधी द्वारा खुद के लिए भी और जो दूसरे कोअक्यूज्ड हैं उनके लिए भी गुनाह कबूल करना चाहिए। मीन्स अगर उन अपराधियों में से किसी एक अपराधी ने यह कबूल किया कि जिस अपराध के लिए उनका ट्रायल चालू है वह अपराध उन सब ने मिलकर किया है तो ही सेक्शन 30 जो है वो अप्लीकेबल होगा। और अगली कंडीशन क्या है कि द कन्फेशन इज अफेक्टिंग द पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स, और वो जो कन्फेशन है जिस व्यक्ति ने कन्फेशन दिया उसको अफेक्ट करेगा और उसके साथ जो दूसरे को अक्यूज हैं उनको भी अफेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 30 तभी अप्लीकेबल होगा जब ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होंगी। अगर ये कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होती है तो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 30 है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अगर हम सेक्शन 30 के प्रिंसिपल की बात करें, मीन सेक्शन 30 के सिद्धांत की बात करें, तो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 30 है वो इस सिद्धांत पे आधारित है कि अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि अगर उसने गुनाह कबूल किया तो उसका परिणाम क्या है तो भी वह गुनाह कबूल कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह सही बोल रहा है, क्योंकि कोई झूठ बोल के अपने आप को तकलीफ में नहीं डालेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेक्शन 31। फ्रेंड्स, सेक्शन 31 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप, मीन्स स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, में आगे दिया गया है कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड बट दे मे ऑपरेट एज स्टॉपेस अंडर द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेंट, मीन्स स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषय का निश्चायक सबूत नहीं है किंतु इस एक्ट में आगे दी हुई प्रोविजंस के अधीन रहते हुए स्टॉपेल की तरह काम कर सकती हैं। मतलब अगर किसी विषय को एडमिट किया जाता है तो वो एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा उस विषय का, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115, 116 और 117 में दी हुई प्रोविजंस के अधीन रहते हुए वो जो एडमिशन है वो स्टॉपेल की तरह काम करेगा। तो इस सेक्शन यही दिया गया है कि एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, एडमिशन जो है वो सिर्फ स्टॉपेल की तरह काम करता है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति ने कोई फैक्ट एडमिट कर लिया तो वो उससे पीछे नहीं आ सकता, वहाँ पे स्टॉपेल लग जाता है, ठीक है। तो यही दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 31 में कि एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे, लेकिन वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115, 116 और 117 में दी हुई प्रोविजंस के अधीन रहते हुए स्टॉपेल की तरह काम करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।